BBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी, खबर हमारी। जलधारा देवी महाविद्यालय में चार छात्रों को नहीं देनी थी परीक्षा, छात्रों ने थाने में दी तहरीर। छात्रों का कहना है कि वे लगभग 7:15 बजे कॉलेज में पहुंच गए थे, मगर प्रबंधक के पुत्र ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। छात्रों का कहना है कि फर्जी बताकर बाहर निकाल दिया गया, जबकि उनके पास प्रवेश पत्र थे। छात्रों ने इस बात की तहरीर थाना हसान पुलिस को दे दी है। वहीं केंद्र व्यवस्थापक शेर सिंह का कहना है कि छात्र समय से नहीं आए थे, इसलिए उन्हें परीक्षा नहीं देनी दी गई है। हसान से अमित शर्मा की रिपोर्ट। आकाश सर, तो आप कॉलेज में कितने बजे पहुंचे थे? सर हम 7:30 पे कॉलेज में पहुंचे थे। तो वहाँ पे क्या घटना हुई थी? वहाँ पे सर उनके जो मेन प्रिंसिपल थे उन्होंने तो अंदर जाने थे, उनके लड़के ने हमें 2 बार बाहर निकाल दिया कि लेट हो, फर्जी बता के बाहर भगा दिया। क्या नाम है लड़के का? पारस तेजी का नाम था। तो फिर आज आपका पेपर नहीं हो पाया? नहीं सर, पेपर नहीं हो पाया। फिर इसकी शिकायत की है सर थाने में? FIR हुई थी सुबह और शुरू भी गए थे हम। तो आज जलधारा देवी कॉलेज वालों ने क्या कहा आपसे? सर थोड़ा लेट हो गया तो फर्जी वाला विरोध करके बाहर निकाल दिया। फिर आज आपका पेपर हो गया? नहीं, कैंसिल निकाल दिया, भारी पेपर का। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की है? हाँ सर, थाने में की है, एप्लीकेशन दे दी है। आज का ये क्या मामला है बच्चों को? बच्चे का ये मामला है सर, 7 बजे का हमारे पास पेपर स्टार्ट होता है और 7:15 बजे तक बच्चे अगर आते हैं तो हम एंट्री कर सकते हैं। वो बच्चे जो है जो हमने वापस किए हैं 7:50 पर एंट्री कर रहे थे, उनको हमने वापस कर दिया, कानून के खिलाफ है ये, हम एंट्री नहीं करा सकते आपकी। बच्चों का तो ये कहना है कि उन्हें फर्जी बता के बाहर निकाला गया, ये आपसी कॉलेज वालों का कोई मैटर होगा, हम नहीं जानते साहब, ये आरोप लगाया जा रहा है झूठा।